हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो आपके सामने है और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि हम क्या दिखाने जा रहे हैं, दैट वी फाउंड आवर न्यू होम, जिसके लिए बड़े दिनों से प्लानिंग चल रही थी। शायद इसी वजह से थोड़ा सा हम स्लो प्रोसेस भी कर रहे थे वीडियोज़ का और बीच में, तो आज वहीं पे आए हैं। पूरा घर का होम टूर तो धीरे धीरे दिखाएंगे, जैसे जैसे पूरा पूरा मूव हो जाएंगे। अभी आपको बाहर से दिखाते हैं। दास्ता हाउस सामी अटैच्ड, ये हमारा फ्रंट डोर है। और भामने जी साथ थोड़ा सा आ जाओ। ये स्प्लिट का वो लगा हुआ है पीछे, और ये साइड एंट्रेंस है जो नीचे के लिए होगी। बेसमेंट और किचन दोनों में जाती है, और उधर बैकयार्ड भी है अगर ये गीला नहीं है, क्योंकि कल रात को आया तूफान, सब उड़ गया है। एंड देन पीछे की लोकेशन आपके सामने, जो इसे थोड़ा सा क्लीन अप करना पड़ेगा हमें, बट अभी रॉ कंडीशन में आपको दिखा रहे हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर, अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस होगा बच्चों के स्कूल का इंतजाम करना, जिसके लिए अभी हम जाएंगे। आपको लेने हैं, उनके स्कूल में जाना है। आपको दिखाएंगे इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। और एक आधी और अनाउंसमेंट भी आपके सामने करनी है। मैं चाहता हूँ कि आज ही अभी आपके सामने कर दें, क्योंकि ध्यान नहीं बन रहा था अभी करने का, लेकिन फिर भी सूनर, बहुत जल्दी, विद इन फ्यू वीक्स, जो आपको कहा था कि कुछ नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उसमें से कुछ में से एक ये है कि अब हम आपके साथ एज इन अ व्लॉगिंग की तरह के जुड़ेंगे, जिसके साथ आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन लाइवली शेयर कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, एक पूरा बनाएंगे। यहाँ पे चल रही है, सो काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे डेली बेसिस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, यहाँ पे रहने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो मुझे लगता है हम ज्यादा रीच कर पाएंगे आपको। और वीडियो का वो नहीं होगा कि किस तरीके से हम कब कब डाल रहे हैं, पर पॉइंट ये होगा कि हम जैसे जैसे हमें डेटा मिलता जाएगा, हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, जिससे आपकी हेल्प होगी और आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट होगी, हम ज़्यादा जुड़ पाएंगे। सो अभी चलते हैं स्कूल, फिर उसके बाद आपके साथ सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एंड देन आपको मज़ा आएगा जगह देख के। एंड वेटिंग फॉर योर ब्लेसिंग्स एज वेल, कि घर कैसा लगा बाहर से, अंदर का ज़रूर दिखाएंगे जब पूरा तरीके से मूव हो जाएंगे। तो सारी नई नई प्रॉपर्टीज, तो कनेक्टिवली अभी हम आए हैं अपने स्कूल के यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ बच्चों के, पहली बात पहले दोनों एक सेम स्कूल थे, अभी ये डिफरेंट हो गया क्योंकि एज ग्रुप की वजह से। तो अभी मेरे पीछे आप जो स्कूल देख रहे हैं, ये आश्रित का स्कूल होगा ग्रेड 3 के लिए। इन्होंने अंदर हमसे फॉर्म भरवाए हैं, एंड देन ट्रांसफ़र के फॉर्म्स भरवाए हैं, एंड देन वो बताएंगे। सो अभी दिसंबर एंड चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि भाई जनवरी फर्स्ट वीक में या मिड में कब तक हम लोग उन बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। मीनवाइल ये सारा कुछ हमें ईमेल करेंगे। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे हैं भावना बताएगी? डॉक्यूमेंट्स मेजर जो लगने हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट और आपका इम्यूनाइजेशन कार्ड, और थर्ड आपका एनबी का जो मेडिकेयर कार्ड है, जो एडमिशन के टाइम पे लगते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली हमने फर्स्ट टाइम एडमिशन कराया था जब एंग्लो डिस्ट्रिक्ट में बच्चे आए थे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो अभी दूसरे स्कूल जाते हैं तो पता चलेगा, हो सकता है वो ना भी मांगे, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड में तो है, बट आई डोंट नो इन्होंने क्यों मांगा दोबारा। तो जिनके फर्स्ट टाइम बच्चे आते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि यही तीन डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसमें काम हो जाएगा। अब हर्षिता के स्कूल चलते हैं, वहाँ का स्कूल भी दिखाते हैं आपको। और अब हम मिडिल स्कूल से बाहर आए हैं, क्योंकि हर्षिता मिडिल स्कूल जाएगी, और यहाँ पे भी इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, इन्होंने बस ये बोल दिया कि अगर चाहिए होंगे तो हम ले लेंगे, ऑल द रिकॉर्ड्स में होंगे। और सेम प्रोसेस था, फॉर्म फिल किया, ट्रांसफर फॉर्म, और अभी ये कॉन्टैक्ट करेंगे बचपन को, और अभी छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो फॉर श्योर छुट्टियों के बाद ही एडमिशन प्रोसेस होगा। पहले ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें कॉन्टैक्ट छुट्टियों के बाद करेंगे और बताएंगे बच्चा कब पहले दिन आएगा। तो बेसिकली वैसा ही प्रोसेस है जैसे एक नए स्कूल में एडमिशन का होता है। तो कॉन्टैक्ट बर्च माउंट का मतलब ये है कि जिसका जो पुराना स्कूल होगा, ये उससे वो वहाँ से फाइल रिकॉर्ड कॉपी हो जाएंगे, तो जो भी ट्रांसफर होगा उसको ये प्रोसेस है। जिनका नया जो फर्स्ट टाइम स्कूल गोइंग बच्चे होंगे, उनका तो सीधा सीधा आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे,
तो कुछ ऐसा ही होगा। अब हमारे पीछे आप स्कूल देख ही रही हैं, ये बड़े बच्चों का स्कूल है, ये बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। सो यही कुछ प्रोसेस है स्कूल का। हाँ जी, कूड़े में। ओके, सो हमने कल आपको दिखाया हम नए घर में मूव हो रहे हैं, तो आज वो दिन है जब हम मूव होने जा रहे हैं और सारा घर पैक करके खड़े हैं। और अभी पैक नहीं हुआ है, जितना पैक हो पा रहा है फटाफट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे दो तीन चक्कर में सामान छोड़ कर आए। और फिर जो यू हॉल होता है वो भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने फर्नीचर बहुत ज़्यादा ले रखा है, अपना ही फर्नीचर है और अपने ही घर में जा रहे हैं तो वो भी लेके जाना होगा। और क्या ही बोलूँ, एक्साइटेड भी हूँ और काम भी बहुत ज़्यादा है। सारा सामान आप देख ही रहे हो कि कैसे फैला हुआ है, बच्चों के साथ मूव करना थोड़ा सा मुश्किल भी है और चीज़ों को समेटना भी है। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जब आप मूव करते हो तो आप अपार्टमेंट छोड़ो तो आपको अपार्टमेंट एंड में क्लीन भी करना है। तो पहले जाएंगे अपने घर में, वहाँ पर अपना क्लीनिंग करेंगे और अपना सेटअप करेंगे थोड़ा बहुत, फिर वापस आएंगे यहाँ पर पैकिंग करेंगे। और शायद आज रात को तो पूरा प्रॉपर मूव नहीं कर पाएंगे, तो फिर कल प्रॉपर सुबह यू हॉल हायर करके फिर हम मूव होंगे। और मूव होने के बाद धीरे धीरे फिर सब सेटअप करके फिर यहाँ वापस आके फिर यहाँ की सफाई करेंगे। तो बेसिकली जो दो दिन की छुट्टी मिली है क्रिसमस एंजॉय करने के लिए, उसमें हम घर मूव कर रहे हैं। और आज ही सुबह आशित बोल रहा था कि इस बारी सेंटा ने क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट नहीं रखा, तो मैंने कहा इस बारी सेंटा ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, घर दिया है हमारे को, तो सेंटा का बजट थोड़ा सा लो हो गया होगा इसलिए सेंटा ने हमारे को छोटे छोटे गिफ्ट नहीं दिए और वो बड़ा घर ही हमने एंजॉय करना है। तो अब बच्चों से भी थोड़ा सा आप कन्वर्ट करो, पूछो उनको कैसा लग रहा है। हाँ जी, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। चलो बैक टू द होम और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए और आज रात तक उम्मीद है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।